फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी में बात करेंगे एंड्रू एल एंड कंपनी लिमिटेड के वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, सारा चीज़ ही आपके साथ मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी क्राइटेरिया पता चल जाए, बेनिफिशियल है नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल का। यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है, कंपनी क्या क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस एंड वेरियस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स लाइक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है कंपनी के द्वारा इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन भी बताया गया है कि चेन्नई ऑपरेशन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ये बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। जॉब टाइटल की बात करें यहाँ पे, तो जॉब टाइटल नॉन सुपरवाइजर अकाउंट्स S3 फॉर 2 ईयर्स, तो ये यहाँ पे डिजिग्नेशन और आपका कौन सा कैटेगरी है वो भी मेंशन किया गया। 2 ईयर्स का यहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, चेन्नई लोकेशन बताया गया, MCOM और ग्रेजुएट विथ इंटरमीडिएट CA NCMA। तो अगर आप MCOM हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, CA CMA इंटरमीडिएट हैं तो भी एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। खास बात है कि ये जो मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस जो मेंशन कर दिया गया है 5 ईयर का, ये काफ़ी, अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 36,600 है, इसके हिसाब से ये सही नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक ही है, 38 ईयर्स का एज रखा गया। अब आप कहेंगे कि ये वैकेंसी क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा देखिए काम है आपको जॉब अपडेट्स जो है वो बताना। आपके चॉइस है कि आप उस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, चेन्नई में ही हैं या चेन्नई लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आई थिंक कोई 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखिए, अगर कहीं कॉम जॉब कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा ही सैलरी होगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और भी चीज़ें मेंशन की गया उसी तरीके से जो वहाँ पे मेंशन किया गया टेबुलर फॉर्म में, उसे पैराग्राफ फॉर्म में भी बताया गया और क्या क्या एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। यूनियनाइज सुपरवाइजर अकाउंटिंग वैकेंसी एक, जो दोबारा वही चीज़ें मेंशन किया गया। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अदर कंडीशन यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले, कुछ खास नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पे कोई भी अप्लाई करने नहीं वाला है जहाँ तक मेरा सोच है। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी थ्रू इंटरव्यू, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पे आपका, ये चीज़ बता दिया गया है। तो ज़रूर अप्लाई कर दें बिफोर 21 जून 2021। सो 2 दिन का यहाँ पे अभी भी टाइम है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अप्लीकेशन फ़ीस कोई यहाँ पे लग नहीं रहा आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो